नमस्ते भारत, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा लाइव में वॉइस क्लियर है तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं। और आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत दिल से आभार। बहुत दिनों से बात कहनी थी कुछ, तो आ गए आपके सामने लाइव। लाइव की शुरुआत कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जो निर्णय है ये आपको जो है आगे लेकर जाते हैं। हम जिंदगी में समय समय पर निर्णय लेते हैं। आइए कुछ चीजें आपके साथ डिस्कशन करती हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा। अच्छे से वक्त निकाल के बढ़िया से इसको सुनिएगा। जहां भी हैं आप, जहां भी बैठे हैं आप, अपने परिवार को भी सुना सकते हैं इसे, और इससे बहुत प्यारा मैसेज मिलेगा आप सभी लोगों को। सन 2010 में मुझे पहली बार निर्णय लेने का मौका मिला जब मैंने 12th पास की थी। और अब मेरे पास ऑप्शन थे दो, कि मैं इंजीनियर बनूं या फिर डायरेक्ट सेलर। भगवान की कृपा से एक कमाल का निर्णय लिया और मैंने निर्णय लिया कि मैं डायरेक्ट सेलर बनूंगी। मैंने साइंस साइड से ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पार्ट टाइम में किया। परिणाम स्वरूप जितनी इनकम जॉब में आती है उतनी इनकम मुझे डायरेक्ट सेलिंग से आने लगी। मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ अपने करियर को शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और इस निर्णय का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मेरे पापा का प्लॉट जो है ना बिकने से बच गया, क्योंकि अगर मैं इंजीनियर बनने का निर्णय लेती तो मेरे पापा का प्लॉट बिक जाता। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैंने सरकारी स्कूल से अपनी 12th की है, और सरकारी स्कूल के बच्चे को अगर इंजीनियर बनना हो तो माँ बाप को या तो कर्जा लेना पड़ता है या फिर अपनी कुछ चीजें बेचनी पड़ती हैं। तो हमारे पिताजी कर्जा लेने से बड़ा डरते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया था कि वो प्लॉट बेच देंगे। और भगवान की कृपा से निर्णय हुआ और निर्णय से प्लॉट बच गया। और जो एक जॉब वाली सक्सेस थी, जो जॉब में जो सैलरी मिलती है वो वाली जो सक्सेस है, वो मुझे पढ़ाई करने के दौरान में ही डायरेक्ट सेलिंग के करियर में मिलना शुरू हो गया था। अब आप सब लोगों को भी पता है कि जब जॉब वाली इनकम की सक्सेस मिल जाती है तो लोगों को अपनी जिंदगी में एक चीज और समझ में आती है कि यार जॉब से सब्जियां बदल सकती है। आज आप आलू टमाटर बना लो, कल पनीर बना लो, फिर मशरूम बना लो, है ना, गोभी बना लो, है ना, ये हो सकता है। एक टू व्हीलर आ सकती है या फिर एक छोटी कार आ सकती है या एक छोटा घर आ सकता है। अगर आप कहें कि आपकी लाइफ में लग्जरी आ सकती है तो जॉब से थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो फिर क्या निर्णय लिया, इंटरनेशनल कंपनी से हम एक बाइनरी कंपनी में गए। ये निर्णय हुआ मेरा सन 2016, जुलाई सन 2016 गुरु पूर्णिमा वाले दिन निर्णय हुआ। और उस बाइनरी कंपनी में हमने 4-व्हीलर अचीव की, एक अच्छा पे आउट अचीव किया जो जॉब में तो शायद कभी नहीं सोच सकते। तो 4 लाख रुपए महीने अर्न करने लगे और इस इंडस्ट्री पे और भरोसा हो गया। और बाइनरी कंपनी का जो निर्णय था, उस निर्णय ने इस इंडस्ट्री पे मेरा विश्वास और बढ़ा दिया, और कि पे आउट 4 लाख रुपए महीना भी आ सकता है, ये भरोसा हुआ। और जो मुझे इनकम आ रही थी ऐसी इनकम टीमों को आने लगी जो मुझे मेरी इंटरनेशनल कंपनी में आ रहे थे। लेकिन बाइनरी के अंदर जैसा सबको पता है, ट्रिमिंग होना है ना, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होना, हेलीकॉप्टर लैंडिंग होना, अनएथिकल प्रैक्टिस का भी तजुर्बा मिला कि अनएथिकल प्रैक्टिस भी होती है। अब एक निर्णय होना था और वो निर्णय होना था एथिकल प्रैक्टिस के साथ। यार अगर कैरियर को चाहिए तो अपने को तो एथिकल प्रैक्टिस चाहिए। अगर हमारे ऊपर लोग आकर बैठेंगे तो हम कैसे बड़े बनेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो जब लोग आपकी टीम में आते हैं तब आपको पैसा बनता है, और हमारे बाद में आने वाले लोग अगर हमारे ऊपर आएंगे तो कैरियर में बड़ा ग्रोथ तो नहीं मिलेगा। और अगर रातों रात टीम शिफ्ट हो जाएंगी नीचे से तो भी बड़ा लोचा है यार, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे निर्णय ने मुझे ये बताया कि आपको एथिकल प्रैक्टिस के साथ अपने निर्णय लेने होंगे। सन 2018 में मुझे एथिकल प्रैक्टिस का जबरदस्त तरीके से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला और मेरा निर्णय हुआ एक एथिकल कंपनी के साथ, जहां हमने सच में ऐसी कस्में खाई कि यार आप हेलीकॉप्टर एंट्री लेकर दिखाओ, आपकी जो है सेकंड टीम में आकर मैं काम कर लूंगी। और अपने उन 5.5 साल करियर के दौरान में हमें एक भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं मिली।
लगभग 6.5 लाख लोगों का नेटवर्क हमने 5.5 साल में बनाया अपने 2018 के निर्णय से, और करोड़ों के पे आउट कमाने वाली टीम बनाई। एथिकल प्रैक्टिस, राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, राइट अच्छा पे आउट, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सब कुछ 5.5 साल में हमें मिला। करोड़ों के पे आउट बने और करोड़ों के पे आउट हमारी टीम ने भी बनाए। लेकिन ये सब जिसके कारण बना, जिस व्यक्ति ने ये सारी चीजों में मुझे मदद की, नन अदर देन हमारे मेंटोर, जिनके कारण, जिनके जिनसे प्रभावित होकर, जिनके सानिध्य में, जिनके मीटिंग से, जिसके मेंटोरशिप से, जिसके मोटिवेशन से वो सारी चीजें वहां हो रही थी। उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो अब उस कंपनी में नहीं है, जिनके कारण हमें बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, बहुत कमाल के हमें प्रोडक्ट्स मिले, और जितने लोगों ने उस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है वो सब बोलते हैं यार बहुत कमाल के प्रोडक्ट है। वो बहुत कमाल के प्रोडक्ट्स जिन्होंने बनाए आज वो भी उस कंपनी में नहीं है। तो एक बार फिर निर्णय लेने का मौका मिला, और निर्णय ये है कि जिनके कारण सब कुछ हुआ उन 5.5 साल में, एथिकल प्रैक्टिस, बड़े पे आउट, एक राइट प्लान, अपडेटेड प्लान, स्ट्रक्चर इधर उधर ना होना, हमारी टीम में से कुछ लोगों ने छोड़ा, उसके बाद भी आज उनकी 2 टीम चल रही है। पता, आप कह सकते हैं कि यार लोगों के छोड़ने के बाद भी टीम इधर उधर नहीं होती, इतनी एथिकल कंपनी। उन 7 साल में कंपनी 7 साल चली, हमने 5.5 साल उसमें काम किया है ना, और कंपनी अभी भी चल रही है। तो टाइम पे पे आउट रेगुलर, तो ये सब चीजें हमने देखी और लगा हाँ यार इंडियन कंपनी भी जो है ना एथिकल प्रैक्टिस करके चीजों को बड़ा करती है। लेकिन आज एक निर्णय लेने का वक्त सिर्फ इसलिए है, और वो निर्णय इसलिए है कि जिसके कारण हमने निर्णय लिया था उस कंपनी को करने का, वो इस कंपनी में नहीं है। और अगर वो इस कंपनी में नहीं है तो हमारा निर्णय भी क्रिस्टल क्लियर है कि हम उस कंपनी में नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का कॉल था कि सोनम जी आपका क्या निर्णय है, तो मैंने आज आपको अपना निर्णय बता दिया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने जब भी निर्णय लिया पहले से बहुत बड़ा किया। सन 2010 में जब मैंने निर्णय लिया तो हमने प्रूफ किया अपने निर्णय को कि हमारा निर्णय सही है। सन 2016 में जब हमने निर्णय लिया, एक बड़े पे आउट बनाए, बहुत कमाल की छलांग लगाई। सन 2018 में जब हमने निर्णय लिया तो अगेन एक बहुत बड़ी ग्रोथ की, और इस बार का निर्णय टीम के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं, और आप सब लोगों को पता भी है कि अपने 5.5 साल के करियर में हमने बहुत अच्छा कमाया, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन पैसों का राइट इन्वेस्टमेंट हुआ। आज लाखों की रेंटल इनकम है मेरे पास। आज सही इन्वेस्टमेंट के कारण भागीरथ पैलेस पे पापा की दुकान, गोदाम है ना, लाल किला के जस्ट अपोजिट एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक की पूरी मार्केट, कपड़ों की मार्केट, दवा की मार्केट है, और वहां पर पापा का शॉप, पापा का गोदाम। ओके, राइट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी जहां से रेंटल इनकम आए, मैं सब कुछ कर चुकी हूं। लेकिन जिस दिन ये निर्णय हुआ कि डीके सर उस कंपनी में नहीं है, आपको मैं क्या बोलूं कि हमारा ना कॉल उठा उठा के जो है ना कान गर्म हो गया, और हम जो रोए हैं, हम जो इमोशनल हुए हैं, हमारी टीमों ने जो हमसे बात कही है, वो इमोशन वो सब जानते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सबका सिर्फ एक कहना था, हमने जो सपने देखे हैं वो सपने पूरे होंगे। और इस बार का निर्णय अपनी टीम के सपने पूरे कराने के लिए है, और मैं आप सब लोगों को ये विश्वास दिला सकती हूं कि भगवान के कृपा से आज तक ईश्वर ने जो निर्णय कराए वो कमाल के कराए, चाहे सन 2010 का निर्णय था, चाहे सन 2016 का निर्णय था, चाहे सन 2018 का निर्णय है, और अब सन 2023 का एंड यानी सन 2024 का ये जो निर्णय है, ये निर्णय बाकी सभी निर्णय से बहुत बड़ा और बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला होने वाला है। पिछले 5.5 साल में आप सब लोगों को पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी ईमानदारी से काम किया है, और कितने लोगों के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाया है।
हमारे कई टीम ने अपने सपनों को पूरा किया, घर बनाई, गाड़ियां बनाई, लेकिन आज अब उनकी टीमों की बारी है। इस पूरे निर्णय के दौरान मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि मैंने जो पिछले 5.5 साल में ईमानदारी से मेहनत की है, वो पूरी मेहनत सिर्फ 1 साल में कर दूंगी। मैं पूरे भारत को नापने वाली हूं अपनी गाड़ी से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, और हर एक वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के सपने देखे थे, इस बार उनके सपने पूरे होने का टाइम आया है। कहते हैं मिट्टी में मिलना हर बार बुरा नहीं होता, मिट्टी में मिलना अच्छा भी होता है। जब बीज मिट्टी में मिलता है तो पौधा होता है। टूटना हर बार बुरा नहीं, टूटना अच्छा भी होता है। जब बीज टूटता है तो उसमें से अंकुरित होकर पौधा निकलता है। जब एग टूटता है तो जन्म होता है। टूटना अच्छा भी होता है, और इस बार जो हुआ है ना, वो सच में अभी लगता है। जब जिस दिन हुआ था उस दिन एक दुख था, उस दिन एक क्रोध भी था, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज यह लगता है कि जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। कहते हैं ना, ईश्वर जो करता है वो हमेशा अच्छा करता है। ईश्वर कई बार जब करता है हमें समझ ही नहीं आता वो कर क्या रहा है, लेकिन मैं ईश्वर पे बड़ा भरोसा करती हूँ। सीरियसली मैं ईश्वर पे बहुत भरोसा करती हूँ, और जब कई बार मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आती तो मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ देती हूँ कि अब तू कर, देख ले, तेरी रजा में मेरी रजा है, जो तू चाहे वो करा ले, बस इतना कराना कि मेरे द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा, मेरे विचारों द्वारा, मेरी वाणी द्वारा अच्छा हो, बेहतरीन हो, लोगों का भला हो, लोगों का फायदा हो, लोग अपने सपने को पूरा करें, लोगों का भगवान पर विश्वास बढ़े। तो ईश्वर साथ में जुड़ने वालों के सपने पूरे कराना, उन्हें अच्छा कराना, बस इतने कर्म मेरे से कराना, इतने अच्छे कर्म जरूर कराना, और छोड़ देती हूँ ईश्वर के ऊपर। और इतना कमाल होता है, हर बार इतना कमाल होता है कि मुझे लगता है मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं। एक बार और बड़े चमत्कार की तैयारी, और 1 साल में हम वो करने वाले हैं जो हमने पिछले 5.5 साल में किया। मैंने अपने 5.5 साल के पिछले जो करियर में किया है वो 1 साल में होगा। जो हाईएस्ट पे आउट हमारा बना है वो हाईएस्ट पे आउट हमारी टीम का बनेगा। ये डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि 2024 में हम जिस अपडेटेड प्लान के साथ आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम जिस अपडेटेड प्लान के साथ आ रहे हैं वो मार्केट में कमाल करने वाला है। हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं जो मार्केट में अगेन वेलनेस इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रहे हैं, साथ में हम अपनी टेक्नोलॉजी और अपने लॉजिस्टिक को और स्ट्रांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, सिंपल, हम एक बहुत बड़ी शुरुआत कर रहे हैं, और भारत का 90% डायरेक्ट सेलर परेशान है। मैं लाइव में ये बात कह रही हूं, और ये जो भी डायरेक्ट सेलर सुन रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कि भारत का 90% डायरेक्ट सेलर परेशान है। और भारत का 90% डायरेक्ट सेलर ये भी जानता है कि अगर उसे एक अच्छी कंपनी सही समय पे मिल जाए, सही LOS के साथ मिल जाए, तो वो भी इस इंडस्ट्री का ब्रांड बन सकता है और बड़ा पेआउट कमा सकता है। उन सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूं। आप सब लोग इन्वाइटेड हैं एक कमाल के अपडेटेड बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवोल्यूशनरी वेलनेस प्रोडक्ट वाली कंपनी के अंदर, जिसकी शुरुआत जस्ट कुछ दिनों में हो गई है। हम बहुत जल्दी इसको शुरू कर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए कनेक्टिविटी में रहना, कॉन्टेक्ट करना, और अगर सच में बड़ा करना चाहते हो तो मैं बोलूंगी एक पारी और ये पारी कमाल की होगी। गिव अप नहीं करना, रीस्टार्ट करना, क्योंकि हारना इंसान को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हम भगवान की बड़ी कमाल की रचना है, हम भगवान की बड़ी स्ट्रांग क्रिएशन है, और हमें हारना नहीं चाहिए। मैं ऐसा मानती हूं कि हमें हारना नहीं चाहिए। जिंदगी जो है ना, कई बार हराने की कोशिश करेगी, जिंदगी आपको कई बार गिराने की कोशिश करेगी, जो खड़ा होकर फिर से बाउंस बैक करेगा वो इतिहास रचेगा। तो थकना नहीं, डरना नहीं, हम बहुत बड़ी तैयारी के साथ आपके सपनों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। मंडे से उसका लॉगिन शुरू है, आप लेट ना हो जाए, राइट टाइम पर अपना जॉइनिंग, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और ये बात सच है कि अगर आपने सही कंपनी का चुनाव सही समय पे सही LOS के साथ कर लिया तो आप इस इंडस्ट्री के ब्रांड बनोगे और बड़ा पे आउट कमाओगे। तो आह्वान है आप सभी लोगों के लिए, स्वागत है आपका,
और ईश्वर को साक्षी मानकर मैंने निर्णय ले लिया है, भगवान जी का इंडिकेशन मिल चुका है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इंट्यूशन होती है अंदर से, है ना। और जब लाइफ का ऐसा सिचुएशन होता है तो मैं जरूर ईश्वर के साथ बैठती हूँ। वैसे तो रेगुलर पूजा पाठ होती है लेकिन कुछ ज्यादा देर बात होती है और उसमें आगे अपने आप एक इंट्यूशन आती है और जब वो आती है तो मैं उस दिशा में चल देती हूँ और वो इंट्यूशन आ चुकी है और उस दिशा में कदम बढ़ चुका है। और जब भी हमने रीस्टार्ट किया है हमने पहले से ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर कराता है, ईश्वर उस स्टार्ट को आगे लेके जाता है। मैं हमेशा मानती हूं कि मेरे सारे निर्णय ईश्वर की मर्जी से होते हैं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और इस बार फिर कुछ बहुत बेहतरीन ईश्वर ने प्लान किया है। आप सभी लोगों का स्वागत है, विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपना रजिस्ट्रेशन मंडे से शुरू हो चुका है, कृपा करके लॉग इन करें और इस बार फिर से बहुत बड़ा करने के लिए तैयार हो जाएं। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस, बिल्कुल जल्दी से पता लगेगा इस बारे में भी कि किस कंपनी का चुनाव किया गया है, राइट। सो थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा करने के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। ये भी जल्दी पता लग जाएगा, कुछ चीज तो प्री लॉन्चिंग का बज होता है ना, तो प्री लॉन्चिंग का बज है। इस बार बहुत एक्साइटेड है, इस बार बहुत कमाल करने वाले हैं और बहुत सारी टीम हमारी खुश है। ये भी आपको बहुत जल्दी से पता लग जाएगा। बाकी आप लोग कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं मेरा नंबर इस लाइव में डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज जिनको भी शुरुआत करना है मैं दिल से स्वागत कर रही हूँ। जिनको भी शुरुआत करना है आप अपना जो है बात कर सकते हैं, मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर इस लाइव में दे दूंगी, तो बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, इस बार फिर से बड़ा करने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू।